हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग व्यू की कोई भी स्ट्रेटजी को या इंडिकेटर बेस्ड सेटअप को ऑटोमेट कर सकते हो। सो ऑटोमेशन मींस क्या? नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रेंडमली सुपर ट्रेंड ऐड किया हुआ है। कोई भी इंडिकेटर आपका जो फेवरेट हो वो आप ले सकते हो। सो अभी इसमें क्या है, जैसे इसने बाय सिग्नल दिया। सो अभी मुझे नॉर्मली हो सकता है मैं कॉल बाय करना चाहता हूँ या फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्रोकर के पास जाऊंगा, देन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डालूंगा कि मैंने फ्यूचर वाला बाय करना है तो फ्यूचर वाला, और कोई कॉल स्ट्राइक बाय करनी है तो वो, देन उस पे मैं बाय उसको मैं बाय करूंगा मैन्युअली। बट ऑटोमेशन में क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया तो वो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय ऑर्डर। और जब आपको इसको एग्जिट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जिट करना चाहते हो जब सेल सिग्नल आए, तो ऑटोमेटिक ही जैसे ही सेल सिग्नल आएगा वो ऑटोमेटिक ही आपका जो बाय पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा, या आप कोई स्टॉप लॉस डिफाइन करके भी ऐसा कर सकते हो। सो ये होता है ऑटोमेशन। बट हमें इसकी नीड ही क्या है, हम मैन्युअली भी तो कर सकते हैं। सो मैन्युअली इशू रहता है ना कि हो सकता है आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, तो आप पूरा दिन चार्ट्स के आगे बैठ के देख नहीं सकते कि कब बाय सिग्नल आए, देन वो उसको करूं। एंड मैन्युअली भी उसको करना थोड़ा सा झंझट वाला काम रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे इधर इसने बाय सिग्नल दिया, तो आप ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप इसी टाइम पे बाय कर लोगे, आप ब्रोकर के पास जाओगे देन उसको बाय करोगे। सो इस वजह से आपका कुछ पॉइंट्स का लॉस हो जाता है, कई बार मोमेंटम में काफी पॉइंट्स ऊपर चला जाता है आपकी पोजीशन, देन आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाता है। सो उस वजह से आपको लॉस भी हो जाता है कई बार। एल्गो क्या करेगा, वो आपके लिए इंस्टेंटली जैसे ही आपका बाय सिग्नल आया उसी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो आपका जो स्लिपेज का कॉस्ट रहता है कि यहाँ पे बाय सिग्नल आया देन यहाँ पे जाके मैं बाय कर रहा हूँ, सो वो आपका कॉस्ट बच जाता है। सो अभी हम देखने वाले हैं कि ये ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। सो ये हम करने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट डॉट इन के थ्रू। सो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पर मैं इसका डैशबोर्ड, सो ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपको जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो आपको थ्री रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। फर्स्ट इज आपके पास ट्रेडिंग व्यू का मिनिमम इजेंशियल प्लान होना चाहिए, देन आपके पास एल्गो टेस्ट का अकाउंट होना चाहिए, और उस अकाउंट में इनका सिग्नल ब्रिज प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। वो सिग्नल ब्रिज प्लान आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, आपने प्रोफाइल में जाना है, देन आप यहाँ पे सिग्नल ब्रिज प्लान जो शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा एक्टिव शो कर रहा है, आपको यहाँ पर एक्टिव शो नहीं करेगा, यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट रहने वाला है वो 799 क्रेडिट्स पर मंथ रहने वाला है। यहाँ पे प्राइसिंग सेक्शन में जाके आप इनकी प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, जो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे ब्रोकर को एल्गोटेस्ट से कनेक्ट करना। सो उसके लिए हम प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे, देन ब्रोकर सेटअप पे जाएंगे। सो यहाँ जो लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स है जो आप एल्गोटेस्ट से कनेक्ट कर सकते हो, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे कनेक्ट करना है एंजल वन, तो मैं एंजल वन के सेटअप पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर कुछ सिंपल से इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे आप एंजल वन को एल्गो टेस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी जो भी आपका ब्रोकर रहेगा उसको कनेक्ट कर लेना है। मेरा ब्रोकर फिनवेशिया है, सो मैं इसको फिनवेशिया को सेटअप करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर आपने क्लाइंट कोड एंटर कर देना है। ईच ब्रोकर का अलग अलग सेटअप रहता है, सो जिस भी आप ब्रोकर पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे सेटअप इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसको फॉलो करके आपने ब्रोकर को ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये क्लाइंट कोड मांग रहा है, सो मैंने अपना यहाँ पे क्लाइंट कोड ऐड किया है। सो इसके बाद मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करके इसको लॉगिन करूंगा। सो आप देख सकते हो जो हमारा ब्रोकर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सो गाइज अभी जैसे कि हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, हमने यहाँ पे ब्रोकर एल्गोटेस्ट से कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे 1 मिनट का चार्ट। सो इंडिकेटर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, आप कोई सा भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ऐड कर रहा हूँ। सो अभी यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। सो हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि जब हमें ये डाउन सिग्नल आएगा तब तो हम पुट बाय करेंगे, और जब हमें अप सिग्नल आएगा तब हम कॉल बाय करेंगे। और इसका एग्जिट क्या रहेगा कि जैसे हमने अप सिग्नल आया कॉल बाय हुआ, तो जैसे ही डाउन सिग्नल आएगा तो हम उस कॉल को एग्जिट कर देंगे। और मान लो कि आपकी एंट्री हुई डाउन सिग्नल आया और आपकी पुट बाय हो गई, तो उसका एग्जिट क्या रहेगा
कि जैसे डाउन सिग्नल के बाद अगर अप सिग्नल आए तो वो पुट बाय है, वो एग्जिट हो जाए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सो इसको हम एल्गो टेस्ट से कैसे कनेक्ट करने वाले, ये अभी हम देखने वाले हैं, और लाइव टेस्टिंग करके हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जब अप सिग्नल आता है तो वो अप सिग्नल या डाउन सिग्नल आता है तो हमारे ब्रोकर के पास कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, एल्गो टेस्ट के सिग्नल फीचर का यूज करेंगे। सो विद दिस फीचर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन, ये जो आपको परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इंडिकेटर दिख रहा है, इससे हम अलर्ट जनरेट करेंगे, देन उस अलर्ट को हम यहाँ पे इससे कनेक्ट करेंगे। सो हम क्या चाहते हैं कि जब ये यहाँ पर जैसे कि अप शो किया है, तो अप शो किया है तो हमारा कॉल बाय हो जाए। सो जो कॉल बाय होगा उसकी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बनाते हैं। सो पहले हम न्यू सिग्नल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, लाइव डिप्लॉयमेंट और फॉरवर्ड टेस्ट। फॉरवर्ड टेस्ट मीन्स कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आज लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। सो मैं लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी कौन सी, कि जब हमें इंडिकेटर सिग्नल दे आपका तो हमें बाय करना है, बट हमें बाय क्या करना है। सो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में बना रहे हैं तो हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंट्री टाइमिंग 9:16 डालेंगे। सो आप यहाँ पे जो भी एंट्री टाइमिंग डालोगे ना, सो उस एंट्री टाइमिंग से पहले के जो सिग्नल होंगे वो एल्गो टेस्ट नहीं लेंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो हम यहाँ पे 9:16 से चाहते हैं कि 9:16 के बाद मॉर्निंग जो भी सिग्नल आए ट्रेडिंग व्यू से वो एग्जीक्यूट हो जाए हमारे ब्रोकर के पास। सो हम 9:16 एंटर करते हैं और 3:15 हमारा एग्जिट टाइमिंग रहेगा, मतलब 3:15 पे हमारी स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाएगी। और यहाँ पर पोजीशन में हम बाय या सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉल बाय करना चाहता हूँ तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम कॉल या पुट कॉल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक में मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ OTM 10। सो यहाँ पर हम OTM 8 सिलेक्ट कर लेते हैं। सो OTM 8 का स्ट्राइक सिलेक्ट होगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता हूँ। सो इसको जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कॉल बाय मान लो एग्जीक्यूट हो गया, सो इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम 1 पॉइंट का इसको स्टॉप लॉस दे देते हैं, 0.5 ही दे देते हैं, चलो। सो यहाँ पे हमने 0.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया। इसके बाद हम एड लेग पे क्लिक करते हैं। आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट भी ऐड कर सकते हो। सो इसके बाद हमारे पास ओवरऑल स्टॉप लॉस और ओवरऑल टारगेट के भी ऑप्शन रहते हैं इसमें। टू कीप इट सिंपल मैंने जस्ट 0.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको कुछ भी नाम देंगे, रैंडमली आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। वेट, हम इसको नाम देते हैं परशूट वेट, परशूट कॉल बाय 2। डन पे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हमारा ब्रोकर सिलेक्ट होके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन आता है कि आप नॉर्मल सिलेक्ट करना चाहते हो मिस। सो MIS हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर टाइप में लिमिट ऑर्डर पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मार्केट ऑर्डर पे। लिमिट ऑर्डर पे यूज करेंगे तो हमारा स्लिपेज काफी कम आता है, इसलिए मैं लिमिट यूज करूंगा और यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लिमिट बफर भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट सफिशियंट बफर है। सो सेटअप सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, 2 मिनट, जस्ट इस बफर को थोड़ा कम कर देते हैं हम। 1 पॉइंट का बफर एंटर कर दिया क्योंकि हम OTM पे कर रहे हैं, सो उसमें काफी कम बफर की नीड रहेगी। सो सेटअप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इसको कुछ भी रैंडम नेम दे देते हैं, जैसे कि परशूट कॉल बाय 2 और सेव पे क्लिक करेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये जो डॉट जेसन ब्लॉक वाला है इसको कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। सो अभी हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, देन हमारे यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एड अलर्ट करेंगे। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अलर्ट जनरेट कर रहे हैं, देन उस अलर्ट को हम हमारी ट्रेड ये जो एल्गो टेस्ट में हमने अभी स्ट्रेटेजी बनाई थी उससे कनेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे यहाँ पे अलर्ट आएगा बाय का तो बाय हो, सेल का आएगा तो सेल हो। सो यहाँ पर हमने कंडीशन में इंडिकेटर सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। सो यहाँ पे जो अप आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो ये अप सिग्नल देता है
उसको अप ट्रेंड है एंड देन जो डाउन सिग्नल देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ कि बैक साइड जाओगे तो जब ये सेल सिग्नल देगा डाउन, सो अगर इससे कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम जो हमने कॉल बाय का स्ट्रेटजी बनाया था, हम चाहते हैं कॉल बाय हो जब अप ट्रेंड हो, तो हम यहाँ पर अप ट्रेंड सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं ट्रिगर के कि कब ट्रिगर होगा। अगर हम ओनली वन सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक बार ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगर अप सिग्नल आता है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है वंस पर बार। सो जो ये कैंडल बनी हुई है इनको बार बोलते हैं। सो इट मींस कि अगर एक बार के अंदर एक से ज्यादा सिग्नल आते हैं तो जो फर्स्ट टाइम आएगा वही लेगा, जो सेकंड टाइम आएगा या थर्ड टाइम आएगा वो नहीं लेगा। वंस पर बार क्लोज, वंस पर बार क्लोज मींस कि ये चेक करेगा कि जैसे यहाँ पे अप सिग्नल है, ठीक है, तो अगर कैंडल क्लोज हुआ तब अगर अप सिग्नल देता है तो ही ये लेगा। मान लो इन बिटवीन जब कैंडल बन रहा था, ठीक है, 1 मिनट का कैंडल है ये बन रहा था, उस बीच में इसने अप सिग्नल दिया तो नहीं लेगा। वंस पर मिनट मींस कि 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक ही सिग्नल लेगा, अगर 1 मिनट के अंदर एक से ज्यादा आते हैं तो ये नहीं लेगा। सो हम वंस पर बार क्लोज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि 1 मिनट के अंदर कई काफी सारे सिग्नल आ जाते हैं, तो बेटर रहेगा हम कैंडल क्लोज पे कंडीशन चेक करें। सो इसके बाद अलर्ट नेम हम कुछ भी एंटर कर देते हैं। मैं एंटर करता हूं परशूट कॉल बाय। मैसेज में जो हमने यहां से कॉपी किया था, ये जो हमने यहां से कॉपी किया था, हम अगेन कॉपी भी कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। देन एक सिंपल सा स्टेप और है, आई हैव पेस्टेड पे क्लिक करूंगा, यहां से वेबुक यूआरएल कॉपी करोगे ये वाला, देन इसको यहाँ पे कंट्रोल ऑल बैकस्पेस, यहां से इसके अंदर वेबुक यूआरएल में जो भी हो उसको ब्लैंक कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो आपने यहाँ से कॉपी किया था वो आपने वेबुक यूआरएल में पेस्ट करना है। देन यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर 2 मिनट जस्ट ये अपडेट होने में, 1-2 सेकंड, ये आप देख सकते हो परशूट कॉल बाय का अलर्ट हो गया। अभी ये इधर से हम जब स्टार्ट लिसनिंग पे करेंगे तभी ये अलर्ट लेना शुरू करेगा, इससे पहले वाले नहीं लेगा। एंड इसमें एक ऑप्शन और है मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज। सो इसमें अगर मैं 1 एंटर कर देता हूँ, इट मीन्स कि जैसे ये पहले अप सिग्नल आ गया, ठीक है, और अप सिग्नल आने के बाद ये एग्जिट नहीं हुआ, जो हमारी कॉल बाय वाली पोजीशन है वो एग्जिट नहीं हुई, और अगेन एक अप सिग्नल आया तो वो सेकंड वाला सिग्नल नहीं लेगा, जब तक जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है जो एंटर हो गया अप सिग्नल पे उसके एग्जिट होने से बाद ही नेक्स्ट सिग्नल देगा, अगर उसके एग्जिट होने से पहले कोई सिग्नल आता है तो नहीं लेगा। सो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे एक एग्जिट भी लगाते हैं कि मान लो अप सिग्नल पे बाय हुआ तो अगर डाउन सिग्नल आए तो वो जो हमारा पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इसने 2 मिनट जस्ट मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि जैसे इसने यहाँ पे अप सिग्नल दिया, ठीक है, तो हमारा बाय हो गया, तो अगर डाउन सिग्नल दे तो हमारा एग्जिट हो जाए। सो इस तरह का हम कंडीशन बना रहे हैं और हमने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। सो स्टॉप लॉस या हमारे जो एग्जिट अलर्ट में जो भी पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम एड एग्जिट अलर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको कुछ रैंडमली नाम देंगे जैसे कि परशूट कॉल एग्जिट, सेव पे क्लिक करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे। सो जो हम एग्जिट बना रहे हैं उसके लिए हमें एक अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एड अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डाउन ट्रेंड स्टार्टर, क्योंकि हमें एग्जिट कब करना है कॉल वाला, जब डाउन स्टार्ट हो, जब डाउन सिग्नल दे, तब हम यहाँ पे डाउन सिलेक्ट करेंगे। वंस पर बार क्लोज करेंगे, अलर्ट नेम एंटर करेंगे परशूट कॉल एग्जिट, मैसेज में जो अभी हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट करेंगे। देन जस्ट एक सिंपल सा स्टेप कि ये वेबहुक यूआरएल को इसको हम ब्लैंक कर देंगे, यहां से हम इसको आई है पेस्टेड पे क्लिक करके कॉपी वेबहुक यूआरएल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहां से भी हम स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो सिग्नल है वो क्रिएट हो चुका है, हमारी जो कॉल बाय के लिए है कि जैसे ही कॉल बाय का सिग्नल देगा यहाँ पे हमें अप का सिग्नल आएगा, हमारे ब्रोकर के पास कॉल बाय हो जाएगा, एंड जब डाउन का सिग्नल आएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा।
या हमने 0.5 का स्टॉप लॉस भी दिया है, अगर वो 0.5 का स्टॉप लॉस पहले आ जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम वेट करेंगे कि कब ये सिग्नल आएगा इधर से हमें अप का, देन हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑर्डर है कैसे एग्जीक्यूट होता है। एक एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस कि यहाँ पे आपको लिसनिंग शो कर रहा है, लिसनिंग मींस कि एक्टिव हो चुका है सिग्नल, अभी वेट कर रहा है कि कब यहाँ से अलर्ट जनरेट होगा, देन यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस अभी हमने बनाया था कॉल का, एक हम पुट का ही बना लेते हैं कि अगर हमें डाउन सिग्नल दे, जैसे ये अभी तक दे चुका है इससे पहले, अगर डाउन सिग्नल देगा तो हमारा पुट बाय हो जाए। सो प्रोसेस सेम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। न्यू सिग्नल पे क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करेंगे, लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे पुट बाय के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे हम 916 सिलेक्ट करते हैं, वेट जस्ट, यहाँ पे हमने 916 सिलेक्ट किया, 315 एग्जिट टाइमिंग, बाय पोजीशन रहेगा पुट बाय, और हम सिलेक्ट करेंगे OTM 8। OTM 8 सिलेक्ट किया, स्टॉप लॉस हमने दिया 0.5 का, एड लेग पे क्लिक किया, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। स्ट्रेटेजी का नाम हम दे देते हैं परशूट पुट बाय, डन पे क्लिक करेंगे, वेट, इस नाम से ऑलरेडी स्ट्रेटेजी है तो हम इसको परशूट पुट बाय 2 के नाम से सेव करते हैं, डन। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम 1 पॉइंट का लिमिट बफर डालेंगे, सेटअप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, अलर्ट नेम का आपको कुछ भी रैंडम नेम दे देना आपने, परशूट पुट बाय 2, सेव पे क्लिक करेंगे, इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक डाउन का अलर्ट क्रिएट करेंगे, एड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे, यहाँ पे इसीलिए हमने डाउन ट्रेंड सिलेक्ट किया है कि जब डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा तो ही हमारा अलर्ट जनरेट होगा, परशूट पुट बाय। मैसेज में जो हमने जैसन कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे आई हैव पेस्टेड पे क्लिक करेंगे, कॉपी वेबुक यूआरएल पे क्लिक करेंगे, देन ये जो वेबुक यूआरएल हमने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम इस पे एग्जिट अलर्ट भी लगाना चाहूँ तो जैसे हमने मैंने आपको पहले बताया था आप लगा सकते हो। एंड मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज हम 1 पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे परशूट बाय 2 हमारा जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस पे आपने ध्यान रखना है कि इस पे हमने कोई एग्जिट अलर्ट नहीं लगाया है, इस पे जस्ट हमने स्टॉप लॉस लगाया है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, सॉरी, जैसे ही ये पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद 0.5 का स्टॉप लॉस आएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो हमने कॉल बाय वाला बनाया था तो जैसे ही हमारे यहाँ पे कॉल का अलर्ट आएगा, अप का सिग्नल आएगा, कॉल बाय होगा, देन उसका जो एग्जिट रहेगा या तो 0.5 स्टॉप लॉस रहेगा या रहेगा डाउन का अलर्ट, जो भी पहले आया वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा डाउन वाला सिग्नल है वो आ चुका है कैंडल क्लोज पे। अगर हम यहाँ पे सिग्नल्स पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो परशूट पुट बाय जो हमने डाला था कि अगर डाउन सिग्नल आए तो हमारा जो पुट बाय है वो हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट 10:20 पे ये बाय हुआ है 42,700 PE का स्ट्राइक, एंड जो एंट्री टाइमिंग भी आप देख सकते हो 9:57 का है, एंड यहाँ पे आप MTM भी देख सकते हो अपने ब्रोकर का। ये जो ऑर्डर है वो आपके ब्रोकर के पास एग्जीक्यूट हो जाता है एंड वो आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाके चेक कर सकते हो। ये आपका ब्रोकर MTM भी यहाँ पे शो करता है, ट्रिगर प्राइस भी आपको शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ट्रिगर हुआ था वो 9:57 सेकंड पे हुआ था, साथ के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो विद इन 1 सेकंड के अंदर ये जो आपका ऑर्डर है वो आपके ब्रोकर के पास एग्जीक्यूट हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने जो ब्रोकर है उसका टर्मिनल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ट्रेड बुक में आप देख सकते हो 9:57:04 पे जैसे इसने सिग्नल दिया था 9:57:02 पे, साथ के साथ ये जो हमारे ब्रोकर के पास एग्जीक्यूट हो चुका है, ये सेम आप यहाँ पे अपना जो एल्गो टेस्ट का ये रहेगा आपके पास डैशबोर्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, MTM भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसमें आपको पता है कि हमने 0.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है तो वो भी आपके ब्रोकर के पास ऑटोमेटिक प्लेस प्लेस हो जाता है। अगर मैं ऑर्डर्स में जाके चेक करूँ,
ओपन ऑर्डर्स में। सो ये जो हमारा 8.70 का जो हमने 0.5 का स्टॉप लॉस लगाया था वो भी आपके ब्रोकर के पास ऑटोमेटिक ही प्लेस हो चुका है। जैसे ही ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होगा, ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसी तरह से आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी आपके पास इंडिकेटर हो, सो उसको आप एल्गो टेस्ट से कनेक्ट करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको मैन्युअली ऑर्डर पंच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा वो आपके ब्रोकर के पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एल्गो टेस्ट में अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे आप एल्गो टेस्ट में अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अपना एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।